उसको इधर से उधर करने का पूरा कनेक्शन टूट गया है। ये भैया कल छटपट करके लौटे, दो दिन से ही रुके हैं, फंस गए। कोई बोल रहा था कि बंगाल से भी कोई है हस्बैंड वाइफ जो यहाँ पे फंस गए हैं। हालत बहुत खराब है, पूरा बह गया। कोशिश कर रहा है उसको ठीक करने की, तब से तो बाइक चला जाएगा। लेकिन हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किलोंग। आज राइड का 10वां दिन है। आज हमें जाना है किलर, और यहाँ से किलर का डिस्टेंस है 127 किलोमीटर, करीब 4 आवर्स तो लगेगा। पहले मुझे यहाँ से एक बाइक का टैंक फुल करना है और कुछ पेट्रोल भी लेकर जाना है, क्योंकि आगे हमें रोड पे कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। किलर पे भी पेट्रोल पंप नहीं है, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा किस्तवर पे, पर हमें किस्तवर नहीं जाना है। हमें जाना है यहाँ से किलर, किलर से साच पास, फिर किलर से वापस केलोंग। यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ का पेट्रोल लिया है, 2 लीटर मैंने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हमें राइट जाना पड़ेगा। यहाँ से उदयपुर है 46 किलोमीटर, और 75 to 80 किलोमीटर है आपका उदयपुर से किलर। ये जो रोड है ना, ये सीधा किलर होके किस्तवर जा रहा है, और रोड काफ़ी अच्छा है यार। मैंने तो सोचा कि रोड अच्छा नहीं होगा, पर यहाँ पे तो रोड काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे वीडियोस पे मैंने देखा कि उदयपुर तक रोड अच्छा है, लेकिन उसके बाद पूरा जो 80 किलोमीटर रोड है वो भी अच्छा ही भी है और खराब। ये जो लेफ्ट साइड में जो रिवर देख रहे हो, ये है चेनब रिवर, और ये चेनब रिवर आ रहा है बताल से। इस गाड़ी को मैं थोड़ा पास दे देता हूँ। अरे 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 अरे, अभी लग जाता भाई। ये क्या हुआ, ये ऐसे कोई इसको ले जाता है कोई थोड़ी, ये तो अभी लग जाता मुझे, ऐसे कोई ले जाता है, बीच में लेना चाहिए था। अभी देखो ये टर्निंग में ये घूम रहा था टर्निंग में, ये देखो अभी मुझे लग जाता यार। तो मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो है ये जो जैकेट मैंने पहना हुआ है ना, और ये मेरे गले पे थोड़ा चुभ रहा है, और ये थोड़ा घिसने से ना मेरे जैसे गले पे थोड़ा छिल जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? हम लोग अभी जाएंगे किलर। किलर? किलर डेथ वैली। डेथ वैली? डेथ वैली। डेथ वैली? डेथ वैली, उसको डेथ वैली बोला जाता है। सांस पास जाएंगे ना, ये इससे थोड़ा मोटा में और कुछ होगा। एक टोपी ऐसा है ना, वो ऊपर भी खुला रहता है, नीचे भी खुला रहता है। हाँ हाँ, वो वाला, वो वाला। सो इस दुकान पे आए हैं। ये जगह का नाम क्या है? जालमा। अच्छा, यही है जालमा गांव। 8 किलोमीटर दिखा रहा था। ढूंढने से मिलेगा। अच्छा, ये वाला, ये वाला भी मैं घर पे छोड़ा है। मैंने इन भैया की शॉप से ये टोपी ले ली, ये पड़ा मुझे 120 का, और भैया ने मुझे कम करके दिया 150 प्राइस का। और ये है झालमा में, शॉप का नाम क्या है भैया? रूप गारमेंट्स। हाँ, रूप गारमेंट्स। रूप गारमेंट्स। तो अगर कोई केलोंग से किलर की ओर आ रहा है और किसी को ये सब की ज़रूरत है, देख लो भाई, तो प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ढूंढ रहा था कि मुझे नहीं मिलेगा शायद, मुझे शायद किलर तक मिलेगा। मैं स्पीति से ढूंढ रहा हूँ, पर स्पीति में टाइम नहीं मिला ये ढूंढने को, मतलब टाइम नहीं था मेरे पास किसी भी। तो थैंक यू सो मच भैया, फिर आते हैं मिलते हैं। चलिए, सो ये है भैया का शॉप, रूप गारमेंट्स। ओह, मेरा ग्लव्स रह गया, सॉरी। थैंक यू सो मच। हाँ, ये टोपी खरीदने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो गया है। सॉल्यूशन हो गया। और ये नीचे अच्छा ब्रिज दिखाई दे रहा है यार, सोच रहे कि इधर चले जाए क्या, एक बार घूम के आते हैं, एक बार ये ब्रिज घूम के आते हैं। ये चेनब रिवर के ऊपर ये ब्रिज है, और मुझे ये ब्रिज काफ़ी अच्छा लगा। मैं ऊपर से जा रहा था तो मुझे ये नीचे वाला ब्रिज दिखाई दिया, और ये हैंगिंग ब्रिज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये हम लोग जा रहे हैं ना, ये चेनब रिवर के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, और देखो ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है, कोई नहीं है, पूरा खाली है, और कितना लॉन्ग ब्रिज है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई थिंक ऐसे ही छोटा छोटा चीज़ आँख खुले रखने से दिखाई देता है, क्योंकि जस्ट मैंने इसको जस्ट देखने के लिए आया था। और अभी यहाँ से निकलते हैं, और अभी हम लोगों को जाना है
किलर, आपको पता है ना किलर जाना है आज। अभी टाइम हुआ है 10, किलर करीब 4 घंटे का रोड है, तो 2 बजे तक तो आराम से पहुंच जाएंगे किलर तक। यहां से हमें जाना पड़ेगा, अभी हम लोग उदयपुर के आसपास चले आए हैं, और ये राइट वाला जो रोड है ना वो सीधा जा रहा है उदयपुर बाईपास, और ये जो रोड है ये पुराना वाला रोड है, और ये सीधा जा रहा है त्रिलोकनाथ मंदिर, और हमें जाना है त्रिलोकनाथ मंदिर। भैया ये मंदिर कहाँ है त्रिलोकनाथ का? अरे यार भैया बाइक जाएगा? हाँ अभी आप लोग जा रहे हैं त्रिलोकनाथ का मंदिर। त्रिलोकनाथ का मंदिर इधर दर्शन करेंगे फिर चले जाएंगे वापस। सो ये है त्रिलोकनाथ मंदिर, अंदर वीडियोग्राफी बना है तो मैं बाहर से ये दिखा रहा हूँ ये मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर। इसके अंदर दलाई लामा जी की भी फोटो है, यहाँ पे सुना गया है कि दलाई लामा यहाँ पे जो पुजारी है। अभी मैं हूँ त्रिलोकनाथ मंदिर जो उदयपुर से पहले पड़ता है, और यहाँ का जो हिस्ट्री मैंने अभी सुना है, हिस्ट्री ये है कि 8वीं शताब्दी में कोई भेड़िया को चढ़ाने वाला होता है ना, यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर किसी जगह से ये भोलेनाथ को मूर्ति को उसको मिला, ये भोलेनाथ का जो मूर्ति है उनको वहीं पे मिला, और उसके बाद उन्होंने वो जब लाया उनको सपने में दिखाया कि आप इसको स्थापित करो, तो उन्होंने क्या किया उसको यहाँ पे स्थापित कर दिया, और ये मंदिर तब से बन गया। ये 8वीं शताब्दी का है, 8वीं शताब्दी पहले का है, समझ लो तो कितने पुरानी मंदिर है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं, इनको बहुत मानते हैं। ये देखिए दिया जला रहे हैं, ये यहाँ पे धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो मनोकामना होता है उसको जो होता है ना वो यहाँ पे वो जो भगवान के सामने हम लोग बोलते हैं ये करो, जो अपना अपना होता है ना वो प्रे करते हैं। होप ये बहुत पवित्र जगह है। सो अच्छा लगे यहाँ पे आने के बाद, इतना अच्छा मंदिर इतनी ऊंचाई पे कभी सोच नहीं सकता, और आने के बाद तो और अच्छा लग रहा है, मन भर गया कि भोलेनाथ का दर्शन मिल गया है, भोलेनाथ ने चाहा था इसीलिए यहाँ पे आए दर्शन करने। अगर भोलेनाथ ने नहीं चाहा होता तो हम लोग यहाँ नहीं आ पाते और दर्शन भी नहीं होता। सो जय भोलेनाथ। ये लोकल है यहाँ का नहीं है ना, मतलब ये रोड सीधा किलर जा रहा है क्या? ये रोड अच्छा हम लोगों को किलर जाना है, किलर जाना है। आपने इधर को जाना ना उदयपुर को टर्न कर लेगा, और अच्छा। मंदिर को जाना, मंदिर के बाद सीधा उसी रास्ते से एक रास्ता यहाँ से जाने के बाद ऐसा रोड मिलेगा, ऐसा रोड मिलेगा, एक इधर को जाएगा वो मंदिर की जाएगा, एक इधर को जाएगा वो किला साथ। अच्छा तो साथ पास इसी रोड से जाना पड़ेगा? हाँ इसी रोड से जाना पड़ेगा, अब उदयपुर से आगे चले जाना। अच्छा तो हम लोग को क्या उस साइड पे जाना पड़ेगा, नदी के उस पार? नदी के उस पार भी जाना पड़ेगा, पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच। सो
ये रोड बंद है, अभी ये पुल का काम चल रहा है। नहीं जाएगा, हम लोगों के पास इतने समय में नहीं जाएगा, गाड़ी लग जाएगी। ठीक है, हमें तो ठीक, ये अभी पुल बन रहा है, ये पुल कंप्लीट हो जाएगा, ये तो हम लोग आगे चल सकते हैं। अभी ये रोड मतलब पुल को खोल दिया गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ से BSF वालों से ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद टिंडी आएगा, और टिंडी के बाद मतलब टिंडी से 2 किलोमीटर आगे दो जगह पे रोड बह गया है, दो नाला है, और उसी जगह से पूरा अभी जो बारिश हुआ था, और बारिश होने की वजह से उस नाले का जो रोड है नाले के सामने वो रोड पूरा बह गया है। वहाँ पर कोई रोड है नहीं, सिर्फ आदमी पैदल जा सकता है, कोई गाड़ी या मतलब बाइक गाड़ी कुछ भी नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा आप लोग एक काम करो, आप लोग टिंडी में रुक जाओ, टिंडी में लंच कर लो, और उधर रुकने का भी जगह है तो आप लोग उधर रुक जाओ, और कल वो रोड तैयार हो जाएगा तो आप लोग कल किलर चले जाओ। हम लोग आज चलते हैं, अगर आज वहाँ से निकल सकते हैं, अगर कुछ भी करके, अगर रोड पता नहीं कि वो वहाँ पर BRO काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर काम कर रहे हैं तो रोड सही बन गया है तो आज निकल सकते हैं, अगर रोड तैयार नहीं हुआ है तो हम लोग आज यहाँ पे रुक जाने वाले हैं, और कल हम लोग यहाँ से निकल जाने वाले हैं किलर के लिए, और कल किलर पहुँचने के बाद वहाँ से साच पास करके फिर वापस किलर पे रुकना है। ठीक है, तो फिर देखते हैं रोड पे क्या होता है। अभी हम लोग चले आए टिंडी, 1 बजे हम लोग टिंडी में पहुँचे, और यहाँ पे हम लोगों को कहा गया कि आप लोग रुक जाओ, और हम लोग इधर 2 घंटे रुके। अभी 3 बजे है और बारिश भी हो रहा है, इस जगह से रोड टूट गया था। आप देख रहे हो कि ये रोड अभी नया तैयार किया है BRO वालों ने, और ये 2-3 घंटे में ये लोग ये जगह को तैयार कर दिया है। रोड के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो काफ़ी भयानक लग रहा है यार। बारिश हो रहा है, अब क्या करें, बारिश भी हो रहा है उधर। ओ माय गॉड, देखो सामने क्या है, पूरा ख़त्म। आज तो नहीं लग रहा है कि हम लोग जा सकते हैं, तो लग रहा है कि ट्रिप ख़त्म ही पे, साच पास नहीं होने वाला है। रोड ही नहीं है भाई साहब, आगे देखो, ये देख रहे हो आप नाला, उस नाले के सामने पूरा रोड बह गया है। साच पास जाने का जो सपना था मेरा, वो तो यहीं पर ख़त्म हो गया। ये हमने मेरा गाड़ी कराया, और ये है देखो हालात, पूरा बह गया है, पूरा बह गया है भाई, रोड ही नहीं बचा। पूरा कनेक्शन जो है दोनों का, दोनों कनेक्शन, पूरा कनेक्शन यहाँ से कुछ नहीं है, पूरा ख़त्म। अभी ये 2 दिन से है, आज भी बन पाएगा कि नहीं पता नहीं, और बारिश हो रहा है ना, इस वजह से पूरा ये हो गया शायद। ये लोग कोशिश कर रहे हैं BRO से, पता नहीं कितना जल्दी हो सकता है, होगा कि नहीं, हो जाएगा तो अच्छा है, वरना रुकना पड़ेगा। अभी यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं, इन्होंने कहा कि ये रोड को आज बना मतलब पत्थर फेंक के कैसे भी करके वो छोटा छोटा जो गाड़ी है वो उसको इस बार लाएंगे। अब पता नहीं वो कर सकते कि नहीं, अब हो भी सकता है कि वो लोग कर पाए, क्योंकि वो लोग जैसे जितने फोर्स से ये काम कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये वो तो शायद जैसे भी करके रोड बना देगा, मतलब अपने गाड़ी को ले जाने के लिए। जो है टूट गया भाई, ये देखो हालत, ये आप देखो, बाइक भी नहीं जा सकता इधर से, अगर बाइक जा सकता था तो हम भी चले जाते भाई। उधर से वो लोग खड़े हैं, और हम लोग इधर से, वो लोग MP से आए हैं, वो और उनकी बाइक शायद, वो सच पास नहीं कर पाए क्योंकि बोल रहा था कि उधर इतना बारिश हो रहा था कि 13 किलोमीटर पहले ही, 13 किलोमीटर बाकी था सच पास, पर वो रिटर्न चले आ रहे हैं। ये है मेरा गाड़ी, और ये देखो रोड पूरा टूट गया, कोशिश कर रहे
इधर से उधर का जाने का पूरा कनेक्शन टूट गया है। ये खड़े हैं भैया, ये कल छटपट करके लौटे, दो दिन से ही रुके हैं, फंस गए। कोई बोल रहा था कि बंगाल से भी कोई है हस्बैंड वाइफ जो यहाँ पे फंस गए हैं, पता नहीं वो है कि नहीं, शायद वो किस पर से चला गया हो। भाई पूरा रोड टूट गया है, हालत बहुत खराब है, पूरा बह गया है। कोशिश कर रहा है तो ठीक करने की, तो फिर तो बाइक चला जाएगा, लेकिन और अभी हम लोग इस पार चले आए हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर के बाद है शोर, शाम के 7 बज गए। हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक गेस्ट हाउस है, तो उसी में आज हम लोग रुकने वाले हैं। अभी हम लोग पहुँच गए शोर पे, राइट साइड में वो ऊपर वाला है गेस्ट हाउस, वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेस्ट हाउस, हमें ऊपर चलना है। आज मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो अगला जो सारा जो वीडियो है इस गेस्ट हाउस का सारा वीडियो मैं अगले एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।